तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बोट की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग सा TWS है, जिसका नाम है दोस्तों बोट इमोर्टल 171। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में परचेस कर लिया था 1299 में, और गाइज दो दिनों से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा हूं। बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और गाइज टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं, अपना दो दिन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देखकर आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और गाइस यहां पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर दिए हैं, जैसे बीस्ट मोड 40 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिलता है। टोटल प्ले टाइम इसमें आपको 40 आवर का मिलेगा, और गाइस इसमें आपको रियल RGB भी मिल जाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर दिए हैं, सारे वीडियो में कवर करने वाला हूं। बॉक्स कंटेंट में आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप वारंटी क्लेम भी कर पाएंगे। एक आपको FQ कार्ड देखने को मिलेगा, और दोस्तों कुछ कैटलॉग वगैरह इन्होंने दे रखे हैं। एक आपको स्टिकर देखने को मिलेगा बोट की तरफ से, और आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी सही लगी है, लेंथ भी इन्होंने काफी सही दे रखी है, और गाइस 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में डिजाइन मुझे काफी सही लगा, जैसे मर्सिडीज का साइन होता है ना, उसी तरीके का इसमें आपको डिजाइन देखने को मिलता है। और दोस्तों केस का जो शेप है वो बाउल की तरह दे रखा है, तो दोस्तों देखने में काफी सही लग रहा है। केस दोस्तों छोटा भी है, कॉम्पैक्ट है, कैरी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर की साइड इन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाई, ये थोड़ा सा मुझे हल्का लगा है, अगर आपके हाथ से ये गिर रहा है तो पक्का टूट जाएगा, तो दोस्तों इस चीज से आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है इसके केस को। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लग रही है, फुली मैट फिनिश के साथ ये केस आपको मिल जाता है। सामने की तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग मिलेगी, और गाइस इसमें जो प्लास्टिक यूज किया वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। यहां पे दोस्तों टाइप सी इंटरफेस के साथ आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों यहां पे जो RGB इन्होंने लगाए उसकी वजह से काफी बढ़िया ये केस दिखाई देता है। हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी है, बिल्कुल भी लूज नहीं है, और दोस्तों ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से हो रहा है। अंदर की साइड दोस्तों इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया है वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी है, फुली मैट फिनिश के साथ ये बर्ड्स मिल जाते हैं। दोनों में लाइट इंडिकेटर मिलेगा, और दोस्तों यहां पे आपको सारी टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इस साइड दोस्तों आपको क्वाड माइक देखने को मिलते हैं, और दोस्तों वेट भी मुझे कोई ज्यादा नहीं लगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये TWS मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे, उसकी बजाय इसका वेट दोस्तों बहुत कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, और गाइस फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। अगर आप इसे वर्कआउट के टाइम या रनिंग के टाइम यूज करो तो दोस्तों आपके कानों से गिरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुबह जब मैं वर्कआउट करने गया था तो इसे मैं लेके चला गया था, इसे दोस्तों लगा के मैंने पूरा वर्कआउट कर लिया, और दोस्तों फास्ट रनिंग भी किया था ट्रेडमिल पे, तब भी दोस्तों मेरे ईयर से बिल्कुल भी नहीं गिरा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहां पे मैं काफी इंप्रेस हूं, क्योंकि दोस्तों ये मेरे डिवाइस से बहुत जल्दी से पेयर हो रहा था, यहां पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो SBC और AAC का कोडेक मिलता है। इसमें आपको ओपन टू पेयर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी, जैसे आप अपने केस को क्लोज करेंगे आपके डिवाइस से डिसकनेक्ट हो जाएगा, और दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे फिर से आपके डिवाइस से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको 40 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल रहा है, तो दोस्तों छोटा सा गेमिंग टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है, फिर दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको राइट वाले बटन पे 3 सेकंड तक टैप करके रखना है, आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा।
गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे, मुझे दोस्तों ऐसा लगता है 40-50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करने के लिए काफी परफेक्ट TWS मुझे लगे, बट दोस्तों प्रोफेशनली गेमिंग के लिए अगर आप इसे परचेज कर रहे हो तो दोस्तों वहां के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माइनर सी लेटेंसी मिल रही है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों केस की बैटरी आपको देने वाली है लगभग 40 आवर का प्ले टाइम अगर आप इसे 60% वॉल्यूम पे सुनोगे तो, अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे सुनोगे तो दोस्तों वहां पे आपको मिल जाता है 30 आवर का प्ले टाइम। और गाइस बर्ड्स की बैटरी आपको 10 आवर का प्ले टाइम दे देती है, तो दोस्तों 3 टाइम आप अपने बर्ड्स को फुल चार्ज कर पाएंगे केस से। इसमें दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको 180 मिनट का प्ले टाइम मिल जाएगा। और गाइस बर्ड्स आपके 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं और दोस्तों केस लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। और गाइस इसके कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको क्वाड माइक विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है। दोस्तों इसे मैंने आउटडोर और इंडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया है, इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस बाइक चलाते टाइम भी मैं इसे कॉलिंग के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर बाइक चलाते टाइम कॉलिंग का टेस्ट करके दिखाइएगा। तो दोस्तों मैंने बाइक चलाते टाइम कॉलिंग किया था, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर और गाइस एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो, हां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ। बिजी तो नहीं हो? नहीं यार, मेरे पास एक TWS है, ठीक है, वोट का, उसी से कॉलिंग कर रहा हूं। तो ये साहब इसके माइक्रोफोन या किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन तो अच्छे से काम कर रहे हैं, क्लियर वॉइस है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूं? नहीं, नॉर्मली लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है। ओके, इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मोड है, ठीक है। अभी मैं बाइक चला रहा हूं, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड की नॉइस होती है वो कितनी ज्यादा, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो यार। थोड़ी भी बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, तो बस लग रहा कि आप बाइक चला रहे हो, लग रहा है आप घर पे बैठे हो। अच्छा, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो राहुल जी से कॉलिंग करेंगे तो ठीक रहेगा? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है सर कि आप बाइक चला रहे हो। ओके थैंक यू। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये TWS आपको IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदे गिर जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले 2 दिनों से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा हूं, ऑलमोस्ट सभी तरीके के मैंने इसे गाने सुने और वीडियो वगैरह भी देख रहा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में मुझे काफी बढ़िया लगी, आप एंजॉय करोगे। इसके जो वोकल्स है वो काफी क्लियर है, जो सिंगर की आवाज होती है वो काफी क्लियरली आपको सुनाई देती है। और गाइज बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। और गाइज एक बात मुझे काफी सही लगी है, अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे सुनो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगा। 10mm के इसमें आपको स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेस भी मुझे काफी सही लगा है, अगर आप बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। गेमिंग मोड ऑन करने के बाद अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको थिएटर वाला फील आएगा और दोस्तों कोई भी लैग वगैरह आपको सुनाई नहीं देगा। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगे, क्योंकि दोस्तों साउंड की क्वालिटी भी मुझे काफी सही लगे, गेमिंग के लिए आप इसे परचेस कर सकते हो और दोस्तों कॉलिंग के लिए भी काफी परफेक्ट TWS लगे हैं। अगर आपका बजट 1500 रुपए से कम है तो दोस्तों इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। देना चाह रहे हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही था बोट इमोटल 171 TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।